हेलो एंड वेलकम, मैं हूं नीलम मेहरा और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। प्रभास अपनी फिल्म जान के लिए सिक्स पैक में आएंगे नजर। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास ने अब बॉलीवुड में भी अपनी हालिया रिलीज फिल्म साहो से डेब्यू कर लिया है। और बाहुबली की सफलता के बाद प्रभास अब अपनी फिल्म साहो के साथ अपने फैंस का फिर से दिल जीत लिया है। जहां पहले प्रभास की फैन फॉलोइंग साउथ तक सीमित थी, अब वो बढ़कर देश भर में फैल गई है। बाहुबली के साथ साथ साहो ने भी प्रभास को पूरे देश भर में लोकप्रिय बना दिया है। उनकी फिल्म साहो में प्रभास के एक्शन और स्टाइलिश लुक को दर्शकों ने बेहद पसंद किया है और इसलिए अब एक बार फिर अभिनेता अपने देश भर के फैन के लिए त्रिभाषी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभास को यह किलर लुक पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। इसके लिए उन्होंने 7 से 8 किलो वजन कम किया है। फिल्म बाहुबली और साहो से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर प्रभास एक बार फिर जल्द ही अलग अंदाज में एंटरटेन कराने आ रहे हैं। इस एक्टर ने साहो के बाद अपनी अगली फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इसमें अपने रोल को लेकर वो जमकर मेहनत कर रहे हैं और फिट बॉडी के लिए खूब पसीना भी बहा रहे हैं। इसमें प्रभास का हर बार से अलग बेहद दिलचस्प किरदार होगा। यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा होगी जिसके लिए साहो स्टार को अपनी बॉडी में बदलाव करने होंगे। हालिया खबरों की माने तो अपनी आगामी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के लिए प्रभास को सख्त डाइट प्लान फॉलो करना होगा ताकि वह तेजी से अपना वजन कम कर सके। इसके अलावा सख्त वर्कआउट सेशन भी हर रोज करना होगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि प्रभास अपनी अगली फिल्म में शर्टलेस होने वाले हैं, इसलिए एक्टर सिक्स पैक एब्स के लिए अपने खान पान का खूब ध्यान रख रहे हैं। जैसे ही फिल्म बाहुबली के शाही लुक के लिए उन्होंने अपना थोड़ा सा वजन बढ़ाया था और साहो में भी इसी बॉडी के साथ नजर आए थे, लेकिन अब अगली फिल्म के लिए उन्हें थोड़ी फिट बॉडी की जरूरत है और इसके लिए वो फिटनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग के साथ ही सख्त डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। और आपको बता दें कि खबर है कि यह प्रभास की 20वीं फिल्म होगी। राधा कृष्ण द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पूजा लीड एक्ट्रेस के रूप में नजर आएंगी। यह फिल्म 1970 के यूरोप की पृष्ठभूमि पर सेट होगी। इस फिल्म का ऐलान साल भर पहले हुआ था। इस अपडेट से जुड़ी आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमारी न्यूज को today.com पर भी देख सकते हैं और YouTube पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज।